क्या कर रही थी? अगर तुझे कुछ हो जाता ना तो मैं भी अपने आप को मार लेता। खुदकुशी किस बात पे कर रही थी? तुम्हारी शादी की वजह से ना? अरे क्या हो गया तुम्हें? मेरी ऐसा कुछ नहीं। अच्छा इस बात को छोड़। रात को मैं आया तो मैडम तो बुंदे हार उतार कर अजीब मर्दनुमा बनकर सोई हुई थी। बको मत, मर्द हो गए तुम। हाँ मैं तो हूँ, नहीं हूँ क्या? तुम ना मुझे एक बावले से बच्चे लगते हो, जो बाहर से गाली सीख कर आता है तो माँ फिर उसकी जुबान पर जलता हुआ अंगारा रखने की धमकी देती है। चल जा, बच्चा बच्चा नहीं हूँ मैं। अच्छा जी जी जी, मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल चोरा कहीं का, मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया, मैं तेरे नाल नाल हाय हाय, तुम सुबह सुबह किचन में क्यों आ गई भाई? जाओ कमरे में जाओ, मैं बना के लाती हूँ चाय। वैसे भी तुम्हें क्या पता बशारत कैसी चाय पीता है ना? उसे पूछ के आई हूँ। बड़े बड़े लोगों से चाय बनवाई है उसने, फिर फेंक देता है आखिर में। चले उसके फेंकने के बाद आपसे ही कहूंगी, अभी तो बनाने थे मुझे। बड़ी जिद्दी हो, वो भी बहुत ही जिद्दी। अल्लाह बख्शे, मेरी अम्मा कहा करती थी कि मियां बीवी में ना एक सी आदतें नहीं होनी चाहिए। किसी एक का झुका हुआ होना जरूरी होता है। ऐसा क्यों? रिश्ते झुकाने और गिराने के लिए तो नहीं बनाए जाते। अरे अरे, आज क्यों तेज कर दी? मैं तो आखिर में तेज करती हूँ आज। आखिरी कील ठोकने वालों में से हैं आप। और साथ ही तुमने चीनी डाल दी, पूछ के आई थी ना उससे, वो आखिर में अपनी मर्जी से चीनी डाल के पीता है चाय। हमें हमेशा एक ही रास्ता क्यों इस्तेमाल किया जाए? कभी कभी बदल भी लेना चाहिए। हो सकता है उसे थोड़ी अपनी पसंद की और थोड़ी मेरी पसंद की चाय ज्यादा अच्छी लगी। ऐसे ऑफिस जाने वाली लड़कियों का ना पटर पटर जवाब देने बहुत अच्छे आते हैं। अच्छी बात है, लड़कियों को जवाब देना चाहिए, बोलना आना चाहिए, है ना? अच्छा हाँ सुनो, वो तुम्हारे जो दूसरी शादी वाला शोहर था वो तो पहली रात को ही मर गया था, तो वो अभी बाद में तफसील से बात करेंगे। मैं भी आपको सब कुछ बताऊंगी सुकून से, और आप भी मुझे बताएगा कल रात के वाकये के बारे में। जिस तरह मेरी दूसरी शादी का एक रात में खत्म हो जाना किसी को समझ में नहीं आता ना, उसी तरह कल रात का वाक्य भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा मेरे। देर तक बैठेंगे मैं और आप। अब जरा हटेंगी, कप लेना? आप तो पूरा रास्ता घेर के खड़ी हो गई। हाँ स्टार्ट करें, शुरू करें। आपको ये वीडियो बनाने का ख्याल किस तरह आया? वो मैं आपको बिल्कुल सच सच बताती हूँ,
दरअसल मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं था ये वीडियो बनाने का। इताशी है ना, मेरे भाई की बेटी है, बहुत शरारती है। उसने मुझे कहा कि पुप्पो हम ऐसा वीडियो बनाते हैं, तो बस फिर मैंने बना दिया। आप क्या समझती हैं आपकी इन चटपटी बातों से लोग खुश होंगे? मैं खुद क्या कह सकती हूँ, आपने देखा है ना वीडियो, तो अगर आपको अच्छा लगा तो फिर लोगों को भी अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छी लगी। ये बताएं, एक सेलिब्रिटी बनके कैसा फील कर रही हैं आप? वो पौधों को पानी दे रहे थे। सारा दिन बाहर खेलती रहती है ना, सर में जुए पड़ गए इतनी सारी। से देख रहा था, करीब जाकर उसने बाबा से पूछा, चल जा बाबा, जुओं वाले शैम्पू से नहाइयो। अच्छा, पौधे पानी, सारी गर्दन काली पड़ी है, गर्दन और पैर अच्छी तरह रगड़ के धोना है। चल माली बाबा। हाँ हाँ, बस ठीक है, जाओ लाउंज में बैठ के याद करो। चलो शाबाश, यहाँ तक आवाज आनी चाहिए, चप्पल पहन ले। अरे तुम क्यों खड़ी हो, बैठो। ये जोड़ा था, अम्मी ने रखवाया था मेरे सूटकेस में आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत है, शादी भले तीसरी हो मगर थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। बच्चों के लिए कपड़े भी लिए रखे अम्मी ने, आ जाऊंगी तो ले आऊंगी। क्यों भाभी, अच्छा नहीं लगा? देखो बीबी, अब बेवा होने का ये मतलब तो नहीं है कि मुझ पे रंग ही हराम हो गए। और कौन कहता है कि बेवा सिर्फ मरे हुए मटियाले रंग के पीके कपड़े पहने। अब ऐसा मजहब में तो नहीं लिखा ना, तो लोगों ने बना दी है बातें। लेकिन इस तरह के रंग तो मैं खुद भी पहनती हूँ, बल्कि ये खुद मैंने पसंद किया था आपके लिए। हाँ अंदाजा हो रहा है मुझे। अच्छा चल, मैं तब्दील करा दूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दो, सिलवा लो। इंसान अपनी मर्जी के खिलाफ क्यों कुछ करे, और वो भी मजबूर है। मैं तो नहीं करती। नहीं, अच्छा सा शोख रंग लाऊंगी आपके लिए। वैसे भी आप पे तो शोख रंग बहुत जचते हैं ना, चेंज करवा। क्या है? जादूगर के बजाय चोट लगी। क्या घायल? शोरत के बच्चे लोग को तुमको क्या हुआ? मग्गा ही तोड़ दिया। भाभी क्या कर रही है तू, हाथ तो नहीं चला तेरा? नहीं ठीक हूँ मैं। मेरी शर्ट सारी नई शर्ट थी यार, मैं शर्ट धोकर आता हूँ, निशान ही ना पड़ जाएगी। आकर कहीं का। देखो बीबी, ये जब उछल कूद करना हो ना तो दरवाजे में कुंडी लगा लिया करो, घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, और फिर सलमान तो मेरा, बढ़ती हुई उम्र है उसकी, बुरा लगता है। मतलब कि मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माफ कर देना बहन, मैं तो सिर्फ समझा रही थी ना। नहीं भाभी, बुरा क्यों लगेगा, आप कह सकती हैं। वैसे आज तो तुम बड़ी प्यारी लग रही हो, और ये लिपस्टिक का कलर अल्लाह कितना अच्छा है। अरे चाय तो सारी की सारी गिरी गई, मैं तुम्हारे लिए नई बना के लाती हूँ। जी अच्छा सुनो, ये लिपस्टिक का कलर मुझे लगाने के लिए दोगी ना?
अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या लगाया इस पे? वो कपड़े धोने वाला पाउडर नहीं था ये पड़ा है ये सफेद डब्बे में ये? अरे कपड़े धोने वाला पाउडर नहीं है, ये लाहौरी नमक है, मैंने खुद ला के रखा था। तुझे पता है वो टीवी पे बता रहे थे लाहौरी नमक ना दांतों पे लगाने से दांत एकदम दूध की तरह सफेद हो जाते। दो दिन से बच्चों को भी लगवा रही हूँ, देख देख फर्क पड़ा है ना, देख पगलोट। छोड़ दे मैं धोखे देती हूँ, जा बड़ा अक्लमंद समझते है अपने आप। अच्छा बात सुन, तू भी चलना साथ, सामने आके फिर दिल मिल जाएगा। और वो सलमान देख लेगा ना बच्चों को? उसने बड़ा मुझे पूछा है जो मैं चल पड़ूं, अच्छा लगता है क्या ऐसे? तू चल ना, कहा था उसने। हाँ अच्छा ठीक है चलती हूँ, लेकिन सुन एक बार तू उससे पूछते हैं। चल छोड़, मुझे पता है तू नहीं पूछेगा उससे। वे मेरी शर्ट प्रेस कर दे और जल्दी से रेडी हो जा, और सुन साड़ी पहन कर जाइयो, बहुत अच्छी लगती है तू उसमें। अच्छा ठीक है ठीक है, जल्दी कर ले देर हो गई है। दो लाहौरी नमक लगा दिए, पड़ा था सर, नजर नहीं आया इसको। अम्मा स्टेशन आ गया है, उतर जाओ। अब्बू मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, 3 मिलियन क्रॉस कर रहे हैं पुप्पू के अनारकली वाली वीडियो के व्यूज। अरे वैसे तो कल मैं आपा को डॉक्टर पे भी लेके गया था, और वो भी बड़ा हैरान होके उनको देखता रहा, फिर उसने कह ही दिया आप अनारकली बहुत अच्छी बनती। अब्बू अब तो पैसे भी आएंगे ना, वो उमेर भाई है ना मेरी दोस्त सारा के बड़े भाई, वो सब कुछ देख रहे, पेज भी बना रहे और इंस्टा का अकाउंट तो बन भी गया। वो माशाल्लाह पप्पू की फॉलोइंग के मत पूछे। और तनवीर फातिमा के बजाय ना पप्पू का सोशल मीडिया का नाम अनारकली होगा। उसे अनारकली बेहतरीन रहेगा, वैसे तो गुड़िया घर की मरहूमा हथनी का भी नाम अनारकली था। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता। जिस उम्र में एक्टर रिटायर होते हैं, उसमें हमारी आपा स्टार बन गई। तुम कहाँ जा रही हो इतना बन टंगे? चाचू के ससुराल जा रही हूँ तेरे। अच्छा सुन मेरे पीछे ना जरा बच्चों का ख्याल रखियो, और हाँ मैंने भिंडी कीमा बनाया तेरी पसंद का, खा लीजो। पैसे दो नान के, मैं घर की रोटी नहीं खाऊंगा। दे दूंगी दे दूंगी। वैसे मुझे लगता है तुम मुकाबला कर रही हो चाचा की दुल्हन से। अरे बावला तो नहीं हो गया? अरे उस बावले को कैसे मिल गई इतनी छकास लड़की? लड़की कहाँ से आ गई, औरत है पूरी औरत, 2 शादियां कर चुकी है। फिर तो ठीक कैरेक्टर की नहीं है। अल्लाह जाने तुम क्यों घुस रही हो बिला वजह। अरे मैं कहाँ घुस रही हूँ, वो तो तेरे चाचा ने कहा कि हमारे साथ चलो तो मैं तैयार हो गई। अच्छा उस दिन चाचा के कमरे से गुजरा था तो चाची की आवाज आई, चाचा से कह रही थी कि तुम्हारी भाभी को बड़ी फिक्र है मेरी शादियों की, और जो खुद उस दिन फंदा लगा रही थी। आगे की बात नहीं सुन सका, मस्जिद में अजान शुरू हो गई थी तो चाची की आवाज ही लग गई। अच्छा ठीक है जा तू बच्चों को देख, होमवर्क करा दीजिए उनको। मगर तुमसे सीखा मोहब्बत तरीका, मेरे पास तुम हो। हमारे पास तुम कितने गंदे हो, मेरे दुपट्टे से तुम अपने जूते साफ कर रहे थे। इतनी सी डस्ट लगी हुई थी बस, थोड़ी सी। बिल्कुल नए जूते हैं यार, क्या हो गया? मैं अभी दुपट्टा नहीं पहनूंगी, मेरी भी जिद्द जो करना कर लो।
अभिषेक को मुझसे अपने जूते साफ करो या खुद उड़ के बैठ जाओ। सामने जादूगर, तूने कभी अपनी जबान देखी है? ऐसे तड़ चलती है। तुझे सरहद पे भेज देना चाहिए, कसम से। दुश्मन की फौजी जो है ना, तेरी जबान के गोलों की वजह से अपने मोर्चे छोड़ के भाग जाएंगे। मैं तो तैयार हूँ, दो मिनट में तैयार हो जाती हूँ। मैं तो दो मिनट में साड़ी भी बांध ली, बेल्ट वाली होगी। लो जी, बेल्ट वाली साड़ी भी कोई साड़ी होती है? पता है, जब मैं छोटी थी ना, तो अपनी अम्मा की साड़ियाँ चुरा कर कमरे में जाके बांधने की खूब प्रैक्टिस करती थी। इतनी प्रैक्टिस की कि अब तो दो मिनट नहीं लगते और साड़ी तैयार। भाभी, वैसे आपस की बात है, आफत लग रही है तू इस साड़ी में। अच्छी लग रही हूँ ना? अरे ये तू ही तो लाया था, वो जिस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी जामा क्लाथ से। पता है, ये साड़ी लेकर आया मेरे लिए और मैंने 2-2.5 घंटे में ही ब्लाउज और पेटीकोट सी के तैयार कर दिया। और फिर क्या था, फॉल ही तो लगनी थी, झटपट फॉल लगा दी मैंने। और फिर मैं और बशारत शाइना बाजी के बेटे की शादी में भी गए थे, याद है ना तुझे? हाँ याद है, देखा, इसे कहते हैं तैयारी। और भाभी, एक हमारी मिसेस को देख ली, अपनी अम्मा की तरफ शादी के बाद पहली बार जा रही है ये कपड़े पहन। चले जी नीचे आ जाए, जिसकी जो तैयारी हो गई कर ले, देर हो रही है। मुझसे कोई साड़ी लेके पहन लेती, नी सारी है मेरे पास। चलो देर हो रही है ना। बशारत, बस चादर लेकर आ रही हूँ नीचे। अच्छी बनी हुई है बिरयानी। अच्छी। अरे तुम कहाँ वेटर बन के फिर रही हो, बैठो ना। अरे भैया, इसकी अम्मी का उसूल है कि खाने के साथ रोटी लाइव होनी चाहिए। हाँ, और गरम गरम रोटियों की तो बात ही कुछ और होती है। अरे बस बस बस, इतना थोड़ी खाएगा, खा लेना तो मुझे कहना। खाला, पुप्पो, वो जो तुम्हारा अनारकली वाला क्लिप था ना, एकदम ऐसे वायरल हुई है। मेरे दोस्त मुझे मिले, कहने लगे यार तेरी पुप्पो ने तो कमाल फिट एक्टिंग की है। अरे भाई, ये 2 सालन एक साथ क्यों डाल दिए? ये नहीं खाता 2 सालन एक साथ। हाँ, वो 2 सालन मिलाकर तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाता। अच्छा कोई बात नहीं ना, चलो ये लो, तुम ये वाली प्लेट ले। क्या कर रही है तुम? मैं ले ले तो दूसरी। कोई बात नहीं, मैं तो खा लेना। अरे भाई, इनके नखरे मत पूछें, इनकी तो पतलून की क्रीज भी ठीक होनी चाहिए, कमीज कैसे स्त्री होगी ये तक बताते हैं। और पता है अंडे का, जो सुबह सुबह मैं नाश्ते में इसके लिए अंडा तलती हूँ ना, उसकी जो जर्दी है ना, वो ना कच्ची हो और ना पक्की, अगर जरा सी भी खराब हो जाए तो बस मूड ऑफ। और चाय तो ये हफ्ते वाले दिन ना उबले हुए दूध में पीता है, 3 इलायचियां डालकर। पता है, वैसे तो पूरा हफ्ता ये दम वाली चाय पीता है। क्यों? वैसे एक बात है, भाभी ने अपने लाड प्यार से बिगाड़ दिया है मुझे। तुम्हें क्या हुआ है, ऐसे क्यों बैठी हो जैसे दाढ़ में दर्द निकल आया? आप लोग की बातें सुनने में मजा आ रहा है ना? इसकी अम्मी के हाथ के खाने की क्या बात है। मैं तो फरीदा को कई दफा कह चुका हूँ कि आजकल जो ये खाने पकाने वाले प्रोग्राम हो रहे हैं ना, उनमें जाके तो कोई एक अपना शो कर लो। हाय अल्लाह, कितनी तेज मिर्चे खाते हैं आप लोग, पूरा मुंह जल गया मेरा तो। वो बस हमारा खाना जरा चटपटा होता है ना। सारा मुंह चल गया मेरा तो। पता है, अल्सर और दिल की बीमारियां ना ये मिर्चे खाने से होती हैं, मत खाया करे। तू छोड़ दे, मैं घर जाके ना तुझे खाना पका के खिला दूंगी, कम मिर्चों वाला। क्या बात कर रही है, मिर्चे ज्यादा है क्या? मुंह चल गया मेरा पूरा। घर जाके खिला दे यो। ऐसे कैसे हो सकता है बेटा, मीठा तो ले लो।
कहीं मिर्चे तो नहीं झोंक दी मीठे में आप लोगों ने, है सामिया? जब प्याला तो प्याला तो दे। सामिया उठा के दो मीठा। क्या है, क्या है ये? अच्छा सेविया है? नहीं, जली है। सब कुछ ही मिला दिया है। कैसा? मीठा है। अरे अब्बा तो वैसे बीमार चल रहे हैं और पप्पो वो तो बोनस में जिंदा है। नहीं चीप कॉमेडी अपने पास रखो। अब्बा हमारी कफालत नहीं करेगा, वैसे भी जब किसी की बेबी आ जाती है तो वो बर्दाश्त करेगी कि उसका शौहर? अरे बस करो यार, सब पता है मुझे, सब पता है। क्या पता है, क्या पता है तुझे? बता बता क्या पता है? इतने इतने से पिद्दों को अपना खून देके मैंने बड़ा किया। भाभी, भाभी जल्दी से कुछ खाने को तो बना दे। ला रही हूँ, सबर कर। उलझन होते जब मैं फजूलियात उतार रही होती हूँ, कोई मेरे सर पे आके खड़ा हो जाए। क्या बात है, आज तो सारा मेरी सामरी जादूगर। प्लीज हर वक्त मुझे सामरी जादूगर मत कहा करो, बुरा लगता है। क्या हो गया, इतना मूड क्यों खराब कर रही हो? बशारत हा? सुन, वो काली मिर्च वाली मुर्गी बना दो तेरे लिए, पसंद है ना तुझे? नहीं नहीं, 2 किलो चिकन में बिरयानी के लिए लेकर आई, वो इतवार को बना ली हूँ। लो भाई, इतनी सी मुर्गी निकाल लूंगी तो कयामत थोड़ी आ जाएगी, और फिर बिरयानी के अंदर आलू ज्यादा कर दूंगी, बराबर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बना ले, लेकिन जल्दी। हाँ अच्छा सुन, चाय पिएगा? हाँ चाय तो बना दे, ईमान से बहुत थकावट हो रही। सामी तू पिएगी? मैं रात को चाय नहीं पीती, पीऊंगी तो उल्लू की तरह जागती रहूंगी। वैसे सामिया तेरे घर खानों में ना तेल घी कुछ ज्यादा ही डलता है, मेरा तो गला ही जकड़ा गया सारा। हाँ वैसे कम घी खाया करो ना, तुम्हारे अब्बा तो वैसे बीमार चल रहे हैं और पप्पो वो तो बोनस में जिंदा है। नहीं चीप कॉमेडी ना अपने पास रखो। सामिया तुम कुछ खाओगी? सामिया बना दूं? भाभी मैं आपको कब पागल वागल दिखती हूँ? हाँ अभी इतना कुछ ठूस के आई हूँ माँ से, अब फिर से ठूसना शुरू कर दूं? नहीं वो मैं तो इसलिए कह रही थी कि बशारत ने भी कुछ नहीं खाया और मैंने भी 2-4 निवाले लिए थे, बड़ी जोर की भूख लगी है। सारा मसला ही भूख का है। मैं मुर्गी चढ़ा दूं। ओबा बंद करो। अरे तुम लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? बस अम्मी को डर लग रहा था कि घर पर आप अकेली होंगी, अब्बू भी मरीज गए ना अभी अंकल के जनाजे में। तो मैं कौन सा पहली दफा अकेली हूँ घर में, 100 दफा रही होंगी अकेली, आज कोई खास बात है क्या? पापा जब हम जाने के लिए निकले ना तो घर के बाहर 8-9 बुड्ढे खड़े थे, ताशी ने बताया कि इनका लीडर वही है जो एक दिन आपके लिए आया। हाय अल्लाह, जा ताशी मेरे लिए पानी लेकर आ। रिक्शा तो मिल गया था तारिक रोड जाने के लिए, फिर अचानक से हमारा दिल फुटबॉल की तरह उछलने लगा, हम वापस आ गए। भीड़ तो छट गई है लेकिन 3-4 अभी भी खड़े हैं बाहर, सोचते हैं ये ड्रामों में काम करने वालियां कैसे भुगतती होंगी इन नफ्सियाती ढीठ लोगों को। और शो के बाद से तो और भी ज्यादा लोग पीछे लग गए, वो लग भी तो आफत रही थी ना।
बस सांस भी अगर चलती हो औरत की तो ये लोग तमाशा बनाकर रख देते हैं अच्छी भली औरत का। भगवान मेरी पैंट की क्रीज मत खराब कर देना और ये कमीज को उल्टी करके इस्त्री करना, आगे से करोगे तो चिपक जाएगी इस्त्री पर। कहाँ जा रहा है? सच बताऊं? डेट पे जा रहा हूँ लड़की के साथ। बदमाश, चल अच्छा है, ये आवारा लौंडों के साथ घूमने से तो बेहतर है इसी प्यारी सी लड़की के साथ डेट लगा ले। लेकिन सुन, अपने चाची को ना बताना, जान से मार देगा तुझे। बाप नहीं है मेरा, तो बाप बनने की एक्टिंग क्यों करता है? भी दो दिन पहले मेरे दोस्तों के सामने कान से पकड़ के घर लेके जा रहा था। बड़ा मजाक उड़ाया दोनों ने मेरा। हाँ हंसो तुम, शुक्र है मैं शादी कर ली, वरना और बदनाम हो जाती तुम। क्या बदनामी हुई बता मुझे? हाँ पता नहीं है लोग कैसी कैसी बातें बनाते तेरे उसके बारे में। हमारी भी तो मुसीबत है, कोई मामू शामू भी नहीं रखता हमें। अगर रख लेते ना महफूज होती तू, रिश्ता जो ऐसा होता। वो क्या नाम है उस मौलवी के बच्चे का यार, अब्दुल जब्बार, कहता है तेरे चाचू कोई महरम नहीं तेरी माँ के। ना शुक्रे पने वाली बातें मत करो। अच्छा कितने सालों से हम लोगों को वो पाल रहा है, एक झटके में तूने उसे पराया कर दिया। मजबूरी है जो भी है, लेकिन गुनाह तो है ना तुम्हारा उसके साथ रहना। और तुमने फ्री भी तो इतना कराया है, शक तो आएगा ना लोगों के जहन में। और साफ सी बात है, झूठ क्यों बोलूं, मेरे भी दिल में आता है। बेगैरत, बेशरम, शर्म नहीं आती अपनी माँ से इस तरह बात करते हुए? अच्छा तो खुदकुशी क्यों कर रही थी? बच्चा नहीं हूं मैं। खुदकुशी मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि बदतमीजी की थी उसने मेरे साथ। डर गई थी मैं कि अब वो हमारी किफालत नहीं करेगा। वैसे भी जब किसी की बीवी आ जाती है तो वो बर्दाश्त करेगी कि उसका शौहर। अरे बस करो यार, सब पता है मुझे, सब पता है। क्या पता है, क्या पता है तुझे? बता बता क्या पता है? इतने इतने से पिद्दों को अपना खून देके मैंने बड़ा किया, जब हाथ पैर मजबूत हो गए तो अपनी माँ के किरदार में बातें करे। बोल रहा है तू? अब बोल, बोल यही सारी बातें, बोल मुझे क्या जानता है तू, क्या पता है तुझे? अरे छोड़ो यार मुझे, अल्लाह करे मर जाऊं। अरे जान छुटे मेरी तुम लोगों से, सबके सब पंगे बाज मेरे जान के पीछे पड़े रहते हैं यार, इसलिए नहीं टिकता मैं, जा रहा हूं मैं। सर पे दुपट्टा रख के घुमा करो घर में, इस तरह नंगे सर अच्छा नहीं लगता। यहाँ कौन से मर्द है? एक मेरा शौहर है बस। हाँ सलमान मेरा बच्चा बिल्कुल जवान है और इस उम्र में तो वैसे भी है। अब तुम्हें क्या बताऊं, इतना समझदार तो तुम्हें होना चाहिए ना। क्यों? इसलिए कि मैं 3 शादी करके बैठी हूँ? हाँ किसी के पीछे खुदकुशी करने के मंसूबे नहीं बनाती मैं। ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। नौटंकी तो आप हैं। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, इतना बघार क्यों लग गया है? ये बात भी आप अच्छे तरीके से जानती हैं।
मर्दों वाले हाथ है साली के। समझ नहीं आ रही तुझे? समझ नहीं ये कील ठोक लूं जरा, फिर पूछता हूं कि जनाब का मुंह फूल कर ऐसा गुप्पा क्यों हुआ? लग गया ये इसके ऊपर जरा। लीजिए, आ गया आपके कदमों में। चलो ना, बताओ क्या हुआ, बताओ ना। लगाई बुझाई कर रही होगी, पता है तुझे आज क्या किया मैडम ने? वो जो तू सेट नहीं लाया था मीठे का, उसका एक प्याला ऐसे ताड़ करके जमीन पे फेंका, किरची किरची हो गया। मैंने तो फिर लिहाज कर लिया, अंडा बना रही थी मैडम, मगर ये तो बिल्कुल भी लिहाज नहीं करती। नहीं तो पाकिस्तानी नहीं था वो, मेड इन चाइना था। मेड इन चाइना कभी देखा है? पूरा सेट बर्बाद कर दिया मेरा। अब क्या लगा रही थी तुझे हैं कि मैंने की है बदतमीजी, मैं उकसाती हूँ इसको? अरे नहीं भाभी, कुछ भी नहीं कहा उसने तो। वो मैं तो कील ठोक रहा था इतनी देर से, बड़ी मुश्किलों से दीवार में गया है, अभी आकर बैठा ही था तो तू आ गई। तुम्हें सफाई पेश करने की क्या जरूरत है? हाँ, तुम्हारी अम्मा है या फिर बीवी? देख 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 बिशारत, देख तो जरा, दो दिन नहीं हुए आए हुए और जबान देख गज भर की कैसे चलती है इसकी। सही कहते हैं लोग, ये दफ्तरों में काम करने वाली औरतें ना चलता फिरता पुर्जा होती है। हाँ, अरे आप जैसी जाहिल औरतों से इंसान क्या बहस करे? और एक बात याद रखेगा, अगर अब आपने मेरी शादी को डिस्कस किया ना, तो आपका मुंह तोड़ के आपके हाथ में पकड़ा दूंगी। मामूली लड़की नहीं समझेगा मुझे कोई। लो लड़की, बशारत सुन रहा, लड़की कह रही है। ओ बीबी, जिसकी तीन तीन शादियां हो ना, वो लड़की नहीं रहती है, तजुर्बेकार खुर्रांट औरत बन जाती है।
हाँ आपके हक में डाका डाल लिया ना मैंने, इसलिए आपको इतनी आग लगी हुई है। सम्या, ये तुम हो? तुम नहीं हो सकती, इतनी तेजी से तो क्रिकेट रंग नहीं बदलता। क्रिकेट क्या होता है? क्रिकेट नहीं, बताओ ना, मुझे तो नहीं पता क्या होता है। होता है कुछ, मतलब मिसाल मशहूर है ना क्रिकेट के बारे में, रंग बदलता है। हमारी तो अम्मा मिसाल दिया करती थी। कौन? बात सुनो, आइंदा मेरी किसी चीज को हाथ लगाए ना तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा। क्यों क्यों भाई, आप कमा के ला रही है क्या? अरे ये पागल है, बावला है जो कमा के लाता और आपको आपके बच्चों का पेट भरता रहता है। हाँ हाँ, तो तू क्यों चल रही है? चुप चुप। जी 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 जी, मैं ही सलमान मुनव्वर का चाचा बोल रहा हूँ। आप बोलिए। क्या बात है? समझाता था ना मैं तुझे, समझाता था कि बार बार उसकी साइड है ना ले, मारा जाएगा किसी दिन। मर गए। तेरा बेटा मर गया। लाश लाश पड़ी है थाने में उसकी। Thank you.